गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त राकेश मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा। दोस्तों बहुत सारा समय हो गया, ऑलमोस्ट 6 वीक्स हम आपसे मिल नहीं सके और इस फेसबुक ऑडियो रेडियो में लाइव आ नहीं सके, क्योंकि जैसा आपको मालूम होगा कि मैं इंडिया के सफ़र में था। आई वॉज ट्रेवलिंग इंडिया लास्ट basically for 1 month, but around 2 weeks back I just came back to Canada. So today is the first day I am coming to this Facebook radio live after my long vacation to India. So it was a lovely vacation, and you might have seen the coverage through the videos and the phones. So today, as usual, I'm back to my original format. So दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम सभी जानते हैं गोल्स के बारे में, लेकिन थोड़ा सा एक उसमें यूनिक ट्विस्ट दूंगा गोल्स के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्स, दो तरह के गोल्स, सर्वाइवल गोल्स और सिग्नेचर गोल्स। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा और काफी इंस्पिरेशन भी मिलेगा अपने गोल्स के बारे में। शायद इस तरीके से गोल्स का डिस्क्रिप्शन कभी नहीं सुना होगा। हाँ, जो भी मैं शेयर करता हूँ दोस्तों, अपनी लाइफ से डिराइव करके, लाइफ से एक्सट्रैक्ट करके शेयर करता हूँ। तो चलिए शेयर करते हैं आज गोल्स के बारे में, सर्वाइवर गोल्स वर्सेस सिग्नेचर गोल्स। सो दोस्तों, सर्वाइवल गोल्स क्या होते हैं? जैसा कि नेम से क्लियर है, सर्वाइवल। जब हम कोई गोल सेट करते हैं जस्ट फॉर मेयर अवर सर्वाइवल, केवल अपने सर्वाइवल के लिए, कह सकते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, उसके लिए जब हम गोल सेट करते हैं तो वो केवल हम सर्वाइवल मोड में ही रहते हैं। और दोस्तों, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि दुनिया में किसी भी कंट्री के बारे में आप देख लें, अराउंड 5-10% लोग ही रिच और इन्फ्लुएंशियल होते हैं, रेस्ट केवल सर्वाइवल मोड में रहते हैं। लेकिन आज के 50 साल पहले या 100 साल पहले अगर हम देखें तो इट वाज रियली डिफिकल्ट फ्रॉम सर्वाइवल मोड टू अदर मोड। आई विल कम टू दैट अदर सिग्नेचर मोड। सिंपल अगर हम बोलें तो रिच बनना 100 साल पहले बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो रिच क्लास का इन्फ्लुएंस इंपैक्ट इतना वन साइडेड, इतना मोनोपोलाइज था कि इट वाज रियली डिफिकल्ट टू बिकम रिच एंड इन्फ्लुएंशियल। बट दोस्तों, टुडे एज आई ऑलवेज से, टुडे वी आर लिविंग इन वन ऑफ द बेस्ट टाइम एवर टू मेक एन इंपैक्ट, टू बिकम इन्फ्लुएंशियल, टू बिकम रिच। You remembered around 50 years back or 100 years back, if you wanted to open your company, you need to have a big building to manufacture some product, hire hundreds of people and so much of materials, so many departments, so many, you know, so much of hassles. But दोस्तों, आज के डेट पे अगर आपको entrepreneurship, अगर आपको business start करना है, किसी की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ तुम और तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन, एंड दैट्स इट। दीज आर द ओनली टू थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट बिजनेस। ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ बिलियनेयर इंस्टेंटली, बट यस, यू कैन स्टार्ट समथिंग, एंड व्हाट यू नीड, जस्ट इंटरनेट कनेक्शन, टू मोर प्रिसाइज यू एंड योर लैपटॉप। एंड इन सर्टेन बिजनेसेस इवन यू डोंट नीड लैपटॉप, जस्ट योर स्मार्टफोन एंड यू, that's the only tool you need to start your business today, because that smartphone, it has a video, audio, email, picture, text, anything you create, you want to share, you can share with the world. Yeah, so come back again. So survival mode. So दोस्तों, हम survival mode में जब रहते हैं, सारे survival goals को जब हम set करते हैं, तो basically अपनी needs को ही fulfill करने में हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं। Basic needs, जिसको कि हम बोलते हैं food, shelter and clothing. Yeah? Needs से थोड़ी बहुत wants पे भी हम शायद आ जाएं,
अगर हम सर्वाइवल गोल्स को सेट करते हैं, मेरा नीड और वांट से क्या मतलब है यहाँ पे दोस्तों? नीड से मतलब है कि सेलफोन चाहिए, ये आपकी नीड है, लेकिन वो सेलफोन एंड्रॉयड होगा या आईफोन का लेटेस्ट होगा, वो आपकी वांट्स है। तो जब आप सर्वाइवल गोल्स सेट करते हैं तो आपकी जो वांट्स होती हैं, हार्डली यू आर एबल टू फुलफिल योर वांट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। पूरी जिंदगी केवल आपकी नीड्स पे ही चली जाती है, वांट्स पे तो पहुंचती नहीं है। और अगर वांट्स पे पहुंच भी गई तो बियॉन्ड वांट्स नहीं जाती है। या दोस्तों, तो अभी थोड़ा सा हम आते हैं सिग्नेचर गोल्स पे। तो सर्वाइवल गोल्स बता दें, सर्वाइवल गोल्स आप वो गोल्स होते हैं जो सेट करते हैं अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए, या फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। नाउ अब आते हैं सिग्नेचर गोल्स। सिग्नेचर गोल दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि जो आपके सर्वाइवल गोल्स होते हैं वो मोस्टली गोल्स होते हैं आपके जीवन के लिए। जब तक आप इस दुनिया में जिंदा हैं तब तक कि वही गोल तब तक काम करते हैं। वंस यू आर गॉन, उसके बाद कोई आपको जानता भी नहीं कि आप कौन हो, किस लिए आए, क्या पर्पस था। उसके लिए आपको सेट करना पड़ता है सिग्नेचर गोल। सिग्नेचर गोल क्या होते हैं दोस्तों? वो आपकी लेगेसी को बनाते हैं। महात्मा गांधी हैड सिग्नेचर गोल। व्हाट सिग्नेचर गोल ही हैड? ही हैड सिग्नेचर गोल टू फ्री इंडिया। अब्राहम लिंकन, यू नो, ही जस्ट काइंड ऑफ रिमूव द स्लेवरी, दैट वाज सिग्नेचर गोल। मार्टिन लूथर किंग। सो यू सी मेनी सच पीपल, दे हैड सिग्नेचर गोल, बिकॉज सिग्नेचर गोल्स कीप यू अलाइव व्हेन इवन यू आफ्टर गॉन। So basically you build your legacy. So signature goal दोस्तों, आप अपने आप से जब ऊपर का सोचते हो, beyond your own existence, means औरों के लिए, तब जाके वो influence बनता है, तब जाके वो आप अपनी life को design करते हो, तब जाके आप influential बनते हो, leader बनते हो, लोग inspired होते हैं और motivated होते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है सिग्नेचर गोल सेट करने का दोस्तों, ये होता है कि अगर आप फुल टाइम जॉब में हो या कॉन्ट्रैक्ट पे हो या जिस भी फील्ड में हो, आप रिटायर हो गए 65 या 70 की एज में, रिटायरमेंट के बाद सडनली आपको क्या लगता है, अरे अब तो दुनिया ही खत्म हो गई, अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि हुआ क्या था कि आपकी पूरी लाइफ में केवल आप सर्वाइवल गोल्स को सेट करते रहे और उनको फुलफिल करते रहे। या हमें कार चाहिए, हमें बाइक चाहिए और हमें घर बनाना, ठीक है, ये सर्वाइवल गोल्स हैं। क्योंकि सर्वाइवल गोल्स केवल आपकी अपने और अपने परिवार के जरूरतों के लिए ही होते हैं। जब उसके बियॉन्ड आप जाते हो तो उसके लिए आपको सिग्नेचर गोल सेट करने होते हैं दोस्तों। तो एज आई वॉज टेलिंग, सिग्नेचर गोल का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उसमें कोई बोर्डम नहीं है, उसमें कोई डिप्रेशन नहीं है, उसमें कोई यू नो बोरियत नहीं करे अब क्या होगा, अब क्या करें, क्योंकि वो आप अपने से बढ़ के वो गोल सेट करते हो, कोई पर्पस मिलता है आपको आपकी जिंदगी का। गांधी जी को पर्पस मिला और उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है दोस्तों सिग्नेचर गोल के लिए। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, जैसे इंडिया में है, मैं इंडिया से हूं और ये शो जो है मोस्टली इंडियंस के लिए है। क्योंकि मैं अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं 9 बजे आता था इंडिया के टाइम पे, लेकिन कैनेडा में टाइम 2 बार चेंज होता साल में, तो 9 बजे जब इंडिया में होते उस समय कैनेडा में 11:30 बज रहे होते, काफी लेट हो जाता है। तो अगले मंडे से मैं इंडियन टाइम 8 बजे आऊंगा, 8 AM इंडियन टाइम एवरी मंडे। ओके, तो मैं सिग्नेचर गोल पे आ रहा था। तो सिग्नेचर गोल सेट करने के लिए दोस्तों, एक तो आपको पर्पस मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया में पूरी लाइफ सिंगल रहे, उनका एक गोल था देश की सेवा करना, वो एक उनका सिग्नेचर गोल था। फॉर दैट मैटर इवन मोदी जी शादीशुदा होते हुए भी सिंगल की जिंदगी एक्चुअली जी रहे, ही वन वे ही हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ। मैं पॉलिटिकल, मेरा कोई इंटरेस्ट किसी पार्टी से नहीं है, इट हैपेंस दैट
I just named him because, you know, देखो कि आदमी क्या कहते हैं कि किसी ने लिखा है कि अगर जिंदगी में आपको बहुत बड़ा मकसद है तो उसमें आपको फैमिली लाइफ से थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि फैमिली, बच्चे होना, वाइफ होना, फैमिली होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो बहुत सारे लोग आपको इसी दुनिया में मिलेंगे जिन्होंने कि फैमिली को कंटिन्यू, बेसिकली फैमिली लाइफ को उन्होंने त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। हमारे रतन टाटा जी कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कभी उन्होंने शादी नहीं की। क्या रीजन है, आई डोंट नो, बट देर आर मेनी सच पीपल हु रियली मेड इम्पैक्ट टू दिस वर्ल्ड, दे स्टे होल लाइफ एज अ सिंगल। बट दैट डजंट मैटर कि ओनली सिंगल होके भी आप इम्पैक्ट बना सकते हैं, नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हुए भी इम्पैक्ट बनाए। आप गांधी जी को देख लो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर हैं। आप नेल्सन मंडेला को देख लो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, अगेन आई एम कमिंग बैक कि जब भी आप अपने गोल सेट करो तो गोल सेट करने के लिए जितना जल्दी से जल्दी आप सिग्नेचर गोल सेट कर लोगे उतना जल्दी आपको अपना लाइफ का पर्पस मिल जाएगा, आपको अपना लाइफ का वाई मिल जाएगा। तो जब आपका अपना लाइफ का वाई, आपको अपने लाइफ का पर्पस दोस्तों मिल जाता है, कोई जिंदगी में बोरियत नहीं होगी, हर दिन आपका एक्साइटमेंट का दिन होगा, क्योंकि जब हर सुबह उठोगे तो आपका एक पर्पस है व्हिच इज बियॉन्ड योर ओन एग्जिस्टेंस, व्हिच इज बियॉन्ड योर ओन नीड्स, व्हिच इज बियॉन्ड योर फैमिली नीड। उसके बाद अब आप औरों के लिए जीते हो, दुनिया के लिए जीते हो, और अपने इस दुनिया से जाने के बाद एक लेगेसी उसके लिए जीते हो कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे लोग कैसे आपको याद करेंगे कि कोई ये बंदा हुआ करता था और उसने क्या क्या किया। तो इसके लिए लोग जीते हैं दोस्तों, वो आता है आपको सिग्नेचर गोल सेट करने से। इसके पहले मैं आगे चलूं, चलिए कुछ शाउट आउट देना चाहूंगा, कुछ नाम्स को यहाँ पे देखते हैं लोगों ने ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हमारी शोभा तिवारी जी ने ज्वाइन किया है। शोभा तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जगमोहन नंदा जी, थैंक यू वेरी मच। रघु हेमा, थैंक यू वेरी मच। सौरिन दवे साहब, थैंक्स अलॉट। नवीन आनंद जी, राहुल श्रीवास्तव जी, लौरा फादर, पूजा विशाल पाठक जी, विकास शर्मा जी, ऐश्वेश एंड सचिन पुनिया जी, ऋषिकेश यादव जी, टोनी शर्मा जी, आशीष मिश्रा, हमारे साले साहब वालिया, मनमोहन, विनोद कुमार सिंह, अमित मिश्रा, मेरे भाई। तो ये सब लोग, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। दोस्तों, मैं इस पे आ रहा था कि जो आप लाइफ के गोल सेट करें, दो तरीके के गोल हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सर्वाइवल गोल और सिग्नेचर गोल। या कभी आप देखा है जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो बोलते हो भाई आपकी सिग्नेचर डिश क्या है, तो वो जो रेस्टोरेंट है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो एक सिग्नेचर प्रोडक्ट होता है, कारों में जाए तो बोलते हैं भाई ये लिमिटेड एडिशन है, या इस तरीके से बोलते हैं आपका सिग्नेचर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। या कुछ लोग जो कोचिंग है या कंसल्टेंट होते हैं उनके प्रोग्राम होते हैं, बोलते हैं तुम्हारा सिग्नेचर प्रोग्राम क्या है। बेसिकली यू आर नोन, यू आर गोइंग टू बी नोन बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन दैट गोल। सो दोस्तों, सिग्नेचर गोल पता कीजिए कि आपका सिग्नेचर गोल क्या है, कि जब सिग्नेचर गोल मिल जाता है तो आपको एक जीने का मकसद मिलता है और हर दिन आपको फुल ऑफ एक्साइटमेंट और पर्पसफुल दिन लगता है। और जिंदगी नहीं तो क्या है कि डिफॉल्ट लाइफ में जिंदगी गुजर जाती है। दोस्तों, मैंने कभी इसके पहले शो में बोला था कि डिफॉल्ट लाइफ वर्सेस डिजाइन लाइफ। तो यहां से अगर हम लिंक करना चाहें तो जो डिफॉल्ट लाइफ होती है वो सर्वाइवल गोल के थ्रू फुलफिल होती है और वो केवल आपकी नीड्स में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। और जो डिजाइन लाइफ होती है वो आपके सिग्नेचर गोल सेट करने से आती है और उससे क्या होता है कि आपको लेगेसी मिलती है। तो सर्वाइवल गोल से केवल नीड्स पूरी होती हैं और सिग्नेचर गोल से आपको लेगेसी मिलती है। मींस, जैसा कि मैं हिंदी में वो अपनी एक बनाई हुई दो लाइन बोलता हूँ कि जीते जीत लोग मर मर के भी जी लेते हैं, दोस्तों कर जाओ कुछ ऐसा कि मरने के बाद भी जिंदा रहो। तो कर जाओ कुछ ऐसा जो कि मरने के बाद भी जिंदा रहो, तो दोस्तों वो हमेशा सिग्नेचर गोल से आता है, ठीक है। अब चलिए, अब सिग्नेचर गोल अब कैसे सेट करें कि आप
आप बहुत सारे लोग सुने होंगे, अरे राकेश जी आप ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ पे तो मुश्किल सर्वाइवल की हो रही है। हाँ दोस्तों, तो सर्वाइवल से कभी आप निकल ही नहीं पाते हो, क्योंकि उसके लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं सर्वाइवल मोड से निकल के थोड़ा बड़ा सोचने के लिए। और वो तीन चीज़ें क्या हैं दोस्तों? वो हैं माइंडसेट, पर्सपेक्टिव एंड वाई। हिंदी में शायद मैं नहीं बता पाऊंगा इन मीनिंग, शायद अगर आप लोगों को याद, अगर आप लोग बता सके तो बताइए। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि सिग्नेचर गोल सेट करने के लिए पहले तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ से थोड़ा सर्वाइवल मोड से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको तीन चीजें चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपकी हैं तो सिग्नेचर गोल अपने आप से आपको मिल जाएगा, लाइफ का पर्पज अपने आप से मिल जाएगा। तो पहला है माइंडसेट दोस्तों। माइंडसेट क्या होता है कि एक सोच ये होती है, माइंडसेट कहता है हमारा कि अरे भाई हम बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं कि महीने में हम 1 करोड़ कमा सकते हैं, 50 करोड़ कमा सकते हैं, हम देश से बाहर जा सकते हैं, हम स्पीकर बन सकते हैं, हम कोच बन सकते हैं, हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अरे ये सब कहने की बातें हैं, ये बड़े बड़े लोग बातें हमारी बातें है ही नहीं। तो जब आपकी ये सोच है तो आप वो उस पर एफर्ट्स भी नहीं डालोगे दोस्तों। या अब जैसे मेरा, मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जब हमेशा मैं अपनी स्टोरी में शेयर करता हूँ कि जब मैं क्यूबा से लौट के आया, और मैं आज के 12-13 साल पहले छुट्टी से जब लौट के आया तो मैं ये डिसाइड किया कि आई वांट टू फाइनेंशियली रिटायर एट माय 45th बर्थडे। और दोस्तों फाइनेंशियली रिटायर होने के लिए हमें $2.5 मिलियन चाहिए थे, और मैं एक IT की जॉब कर रहा था, फुल टाइम जॉब, ठीक अच्छा पैसा मिल रहा था, जितना मिल रहा था उतना खर्चा हो रहा था, लेकिन हमें बचाना था $250,000 ए ईयर टू फुलफिल माई दैट सिग्नेचर गोल। मेरा सिग्नेचर गोल क्या था? मेरा सिग्नेचर गोल ये था कि रिटायर एट 45 सो दैट आई कैन लिव फॉर अदर्स टू मेक एन इम्पैक्ट एंड बिल्ड माई लेगेसी। दैट वॉज माई सिग्नेचर गोल दोस्तों। लौट के आया, जब सिग्नेचर गोल दिखाई दिया तो सबने देखता था, अरे कि सोचो कि मैं 45 साल में रिटायर हो जाऊंगा, फिर मैं यहां घूमूंगा, वहां घूमूंगा, स्पीकिंग करूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, कोर्सेस क्रिएट करूंगा, अपने सेमिनार करूंगा, वर्कशॉप करूंगा, ये देश घूमूंगा, वो देश घूमूंगा। ये सोच सोच के क्या होता था, खुशी होती थी कि काश ये गोल मेरा पूरा हो जाए तो ये सब करने को मिलेगा। और हुआ दोस्तों, फिर आगे के रास्ते दिखने लगते हैं। फुल टाइम जॉब से कॉन्ट्रैक्ट में आया, अपनी कंपनी खोली, लोगों को भी प्लेस करने लगा, उससे जो पैसा है रियल एस्टेट में डालता गया, यू नो कट द स्टोरी शॉर्ट, सब हो गया। और किसी का भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन जब आपका सिग्नेचर गोल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका माइंडसेट बोलता कि ऐसा है ही नहीं पॉसिबल। जिस दिन वो आपके दिमाग में आ जाएगा कि पॉसिबल है, तो दोस्तों फिर सब अपने आप से उस गोल सेट होते जाएंगे, और बड़ी बड़ी आपको उम्मीदें अपने आप से होंगी, और फिर सिग्नेचर गोल अपने आप से सेट हो जाएगा दोस्तों। माइंड सेट चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि हमारे जो वर्चुअल कोच जिम राम साहब हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स यू बी फ्रेंड विथ। कहने का मतलब, जो आप 5 आपके जो खास दोस्त होते हैं, जो जैसा नेचर, जैसा बर्ताव और जैसी स्थिति उनकी होती, उसी का आप एवरेज होते हो। जितना वो रिच होते हैं, जितना वो हेल्थ में, जितना वो वेल्थ में, जितना वो कैरियर में, जितना वो सोशल लाइफ में, वही उसी का आप एवरेज होते हो, उससे ज्यादा आप नहीं सोच सकते। तो अगर आप अपना फ्रेंड सर्कल सराउंडिंग चेंज करो तो आपकी सोच चेंज होगी, जब सोच चेंज होगी तो आपके गोल चेंज होंगे, जब गोल चेंज होंगे तो आप अपने आप उस सर्वाइवल मोड से निकल के सिग्नेचर मोड में चले जाओगे दोस्तों। या तो उसके लिए क्या करना होगा, आप बुक पढ़ सकते हो, आप टेक टॉक सुन सकते हो, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, और आप जिस जैसा बनना चाहते हो उसको रीच कर सकते हो, उस आदमी से बात कर सकते हो, उसकी बुक पढ़ सकते हो। दोस्तों रिसोर्सेस तो बहुत हैं, सिर्फ अपने माइंडसेट को खोलने के हमें बड़ा बनना है। मैं बड़ा बनना का केवल पैसे से नहीं, मैं बड़ा बनना सोच से दोस्तों, की सोच से बड़ा बनना है, सोच से बड़ा बनना है। हिंदुस्तान इतनी ग्रेट कंट्री है, लेकिन दोस्तों मैं हर साल जाता हूँ और दुख होता है कि वहाँ पे बहुत सारी गरीबी पैसे की नहीं है दोस्तों, सोच की गरीबी है। जब गांव में जाता हूं तो सुनता हूं वहां पे तो ये क्या कहते हैं, गरीबी का आधार, गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड बना है, वो कार्ड बना है, और बोलते हैं जो 15-20 रुपए किलो गेहूं मिलता है उन गरीबों को 3-4 रुपए में भी मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि 3-4 रुपए का किलो खरीद के और उसको मार्केट में जाके 12-13 रुपए किलो में बेच के जो डिफरेंस होता है उससे जाके शाम को दारू खरीद के पियेंगे। और जब ऐसी आपकी सोच होगी, एक मोदी नहीं 1000 मोदी आ जाएं,
कुछ भी नहीं होने का आपकी जिंदगी में। दोस्तों, हम इन मुल्कों में रहते हैं, कनाडा में, यूएस में, इतनी लाइफ आसान नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। यहाँ पे लोग सोचते हैं, यहाँ पे लोग अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अरे यार यहाँ पे ऐसी लाइफ है, ये लाइफ जगह मिली है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन जब इंडिया में जाता हूँ, लोगों की ऐसी सोच देखता हूँ, तो लगता है कि सच में ये है कि जब तक हर आदमी, जैसे कि यूएस में एक बार हमारे कैनेडी साहब ने बोला था कि फॉरगेट अबाउट दैट व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू, थिंक दैट वॉट यू कैन डू फॉर द कंट्री। तो सेम चीज, जब तक हर आदमी अपने आप के विकास के बारे में, अपने आप के ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेगा, दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट कितना भी रिच हो, बहुत ज़्यादा देश को इम्प्रूव नहीं कर सकती। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है या कि अपनी सोच को इम्प्रूव करें, लोगों से मिलें, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें। जितना आप कमाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, उसका 5% आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने में लगाएं, जिस उसके लिए बुक्स खरीदें, उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, उसके लिए बड़े बड़े लोगों के ऐसे ऐसे जो उनके क्या कहते हैं कि सेमिनार्स होते हैं, उनको अटेंड करें, और अपने आप आपको वो सिग्नेचर लाइफस्टाइल, आपके सिग्नेचर गोल अपने आप दोस्तों सेट हो जाएंगे। या तो सिग्नेचर लाइफस्टाइल, सिग्नेचर गोल सेट करने के लिए मैंने बताया 3 चीज़ें, एक तो माइंडसेट, तो माइंडसेट के बारे में बताया, थोड़ा सा ब्रीफ किया क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा पर्सपेक्टिव, देखिए पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आप उस चीज़ को क्या कहते हैं कि अपने पर्सपेक्टिव, मतलब अपने हिसाब से जब उसको ढालेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा पर्सपेक्टिव का, पर्सपेक्टिव का ये है कि फॉर इंस्टेंस कि आपने अगर ये सोच लिया कि भाई हम ये चीज़ सीखना तो चाहते हैं, लेकिन इसको सीखने में, या सपोज कि इस कॉन्फ्रेंस से हमको सीखने तो मिलेगा, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने, मैं लखनऊ में रहता हूँ और मुझे बॉम्बे जाना है, और अगर ट्रेन से भी जाना है, प्लेन से भी जाना है, 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, 10 हज़ार रुपये उसका टिकट होगा, 15-20 हज़ार रुपये लग गया, ठीक है। अब आपने क्या सोचा यहाँ पे कि आप ये तो जान लें कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आपका फोकस यहाँ पे कॉस्ट पे है कि 20 हज़ार रुपये लगेगा। अगर आप ये सोचो कि उस कॉन्फ्रेंस जाके अगर एक भी चीज में ऐसे सीख गया, या एक भी ऐसे आदमी से मिल गया, हो सकता है 20 हज़ार नहीं, वो 20 लाख का मुझे फायदा करा दे, अब क्या हुआ कि आपका फोकस अभी कॉस्ट पे नहीं रहा, अब आपका फोकस वैल्यू पे आ गया, कि यू आर मोर फोकस ऑन द वैल्यू, कि इसकी वैल्यू अगर इतनी मिलेगी तो क्या होगा, अगर नहीं भी मिलेगी तो चलिए कम से कम एक बार जाके तो देखते हैं। तो जब आपका फोकस वैल्यू पे आ गया वर्सेस कॉस्ट, अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो ये मेरा एक एग्जांपल था पर्सपेक्टिव से, कि आपका अगर पर्सपेक्टिव उस चीज, उन चीज़ों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में आपको आप रखेंगे, तो अपने आप से आपका माइंडसेट डेवलप होगा, और उससे आप जो सिग्नेचर गोल्स सेट करने में आपको बहुत बहुत इजी हो जाएगा। और तीसरी चीज़ हमने दोस्तों बताई, एक तो माइंडसेट, दूसरा पर्सपेक्टिव, और तीसरा व्हाई। या क्या होता है कि कोई चीज़ हम, जैसे नया साल होता है और कोई हम गोल लेते हैं कि चलो यार इस गोल को हम लेंगे, लेकिन होता क्या, एक हफ्ते, दो हफ्ते, एक तो शुरू ही नहीं होता, अगर शुरू हो गया, एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, महीने, दो महीने में वो फेड आउट हो जाता है। कहने का मतलब, जो आपने सेट किया था, अब उस पर कोई भी काम आप नहीं करते, उसको भूल जाते। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपकी वाई है, कि आप वो क्यों करना चाह रहे थे। फॉर इंस्टेंस, आप अपना वेट लूज करना चाह रहे थे, लेकिन क्यों करना चाह रहे थे? सुंदर दिखने के लिए, या कोई आपको एक्टर बनना उसका रोल? आप कह सकते हो कि अब ये दीपिका पादुकोण हो गई, जितनी भी एक्ट्रेसेस हो गई, या ऋतिक रोशन हो गया, शाहरुख खान हो गए, कैन यू थिंक, कैन दे अफोर्ड टू बी इजी विद देयर फिजिक? नो, उनकी फिजिक ही उनका पैसा है। तो उनकी वाई हुआ, उनकी वाई क्या है कि दे आर फोर्स टू मेंटेन देयर फिजिक बिकॉज दैट इज देयर मेन, यू नो, द वेल्थ, वही उनका मेन टूल है। इसी तरीके से आपकी वाई क्या है? अच्छा, मेरी वाई ये है कि मैं अपने गांव को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, अपने देश को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। आपकी ये वाई हो सकती है, और एक पर्टिकुलर कोई काज ले सकते हो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जिले में, अपने प्रोविंस में, कि मैं यहाँ से ये पर्टिकुलर चीज मैं खत्म करना चाहता हूँ। किसी ने लिया था इंडिया में कि पोलियो खत्म हो जाएगा, और पोलियो खत्म हो गया, तो उसका वाई था।
अब सोचो जिसका इतना बड़ा वाई है कि एक 1.2 बिलियन जैसे देश में पोलियो खत्म करना बहुत बड़ा वाई है दोस्तों। इसी तरीके से आप अपने लेवल पे, जिस लेवल पे हो, और ये वाई कोई एक बार फिक्स नहीं होती कि एक बार अपने अपना वाई ले लिया और उसको जिंदगी भर नहीं, वो वाई आपकी चेंज होगी। तो दोस्तों मैं बहुत ही क्या कहते हैं कि भावुक हो जाता हूँ जब बातें करता हूँ। तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ कि फिर से थोड़ा सा रैप अप करूँगा जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी लेट भी हो गया है और 10:12 हो गया ऑलमोस्ट, ओहो आफ्टर मिडनाइट। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या था दोस्तों? आज का टॉपिक था गोल सेट करना, और गोल्स कैसे, सर्वाइवल वर्सेस सिग्नेचर। तो सर्वाइवल गोल दोस्तों आप अपने जब जीते हुए हो रहे हैं तब के लिए करते हैं जब आप जी रहे होते हैं, और जो आपका सिग्नेचर गोल होता है जीते जी तो होता ही, आपके मरने के बाद भी वो आपको जिंदा रखता है, क्योंकि आप अपनी लेगेसी बिल्ड करते हो, क्योंकि आप कोई ऐसा सिग्नेचर गोल सेट करते हो जिससे कि आप अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हो और आप अमर हो जाते हो दोस्तों। या और सिग्नेचर गोल पाने के लिए आप सब लोग क्यों नहीं पा पाते, उसका रीजन होता है तीन चीजें, माइंडसेट, पर्सपेक्टिव एंड वाई। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ। लेकिन अगर आप इतनी बातें करता हूं, कभी कभी आपको कह रहे राकेश जी आप थोड़ी देर बात करके चले जाते हैं, कुछ चीजें उसमें सेंस करती हैं, कुछ चीजें सेंस नहीं करती हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें ही कंफ्यूज जाता हूं। तो भाई सबको तो मैं इतना नहीं करता, लेकिन जस्ट रीच आउट टू मी, व्हाट आई विल डू द वे यू नो आई गो इन इंडिया एंड अदर प्लेसेस आई डिलीवर द स्पीच, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई गो फॉर फ्री। So give me a call, yeah, or reach out to me. You reach rakesh@gmail.com, yeah, mujhe private message bheje messenger mein, and I will talk to you. If you are really, really serious, let me know ki aapne already decide kar liya hai ki Rakesh, main ye cheez set karna chahta hoon, but I am not very clear. I will try to help you out, yeah. Kyunki agar ek bhi bande, ek bhi insaan ko main help kiya, to agar ek signature goal set karne mein, to basically uski life nahi, uske life ke baad bhi cheeze उसको हेल्प करेंगी, और वो सबसे बड़ा मेरे गिफ्ट होगा कि मैं कुछ इम्पैक्ट बना पाया किसी के सिग्नेचर गोल सेट करने में। तो अगर आपको डिफिकल्टी है सिग्नेचर गोल सेट करने में दोस्तों, पहुंचो। या तो ये रहा आज का टॉपिक दोस्तों, और फिर थोड़ा सा कुछ नाम ऐसे जो भी बाद में जुड़े हैं हमसे, और उसमें हमारे लास्ट टाइम जो थे वो हमारे जो भाई हैं अमित मिश्रा, और अमित मिश्रा के बाद पॉल चैमेट, कमलेश कुमार मिश्रा, प्रवीण पटेल, प्रवीण भाई एंड रघुवीर चौहान साहब एंड अभिषेक खोसला जी, बिंग बिलमोर, अर्जुन आलवी, ध्रुवी गुप्ता, विनय श्रीपद, अश्विनी मिश्रा, आलोक राय, विनय श्रीपद एंड राममूर्ति साहब। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। दोस्तों जिंदगी, अभी आज अपने बेटे का मैंने पिक्चर शेयर किया, स्टिल आई रिमेम्बर, क्योंकि जब मैं वीडियो ले रहा था अभी क्रॉल करना सीखे थे कुछ ही दिनों पहले की बात, और अभी देखिए ग्रेड 8 से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो दोस्तों टाइम इतना फास्ट जाता है कि अब क्या बताएं। तो बस पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, या और उसके बाद देखिए कि जिंदगी कहाँ से आई और कहाँ जा रही है, बहुत फास्ट जा रही है। एक चीज कोई ऐसा ले लो दोस्तों कि आपको हर सुबह उठने में एक्साइटमेंट, और खाली अगर पैसे कमाने के पीछे पड़े हो दोस्तों तो उससे बहुत बड़ा एक्साइटमेंट नहीं होगा। क्योंकि पैसे से, ठीक है पैसा बहुत जरूरी है, वही लोग बोल सकते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है जो एक सीमा तक पैसा कमा चुके हैं, बाकी पैसा ही सब कुछ होता है। जो सर्वाइवल गोल के मोड में होता पैसा ही उसके लिए सब कुछ होता है, क्योंकि बेचारा वो अपनी नीड को ही फुलफिल करने में पड़ा रहता है। लेकिन जब सिग्नेचर गोल ऑफसेट करते हो तो उससे पैसे से कोई लेना देना दोस्तों नहीं होता, पैसा तो अपने आप आएगा। तो जैसे पेन और पेपर ले लीजिए कि यार क्या चीज, कौन सा ऐसा गोल, कौन सा ऐसा काज, कौन सा ऐसा एक्शन, कौन सी ऐसी हेल्प, कौन सी ऐसी चीज आप करें कि उनमें आप और आपकी फैमिली के अलावा किसी तीसरे का फायदा हो। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, और कोई नई चीज नहीं बोलता हूं, कि आपको अपने अंदर की खुशी मिल ही नहीं सकती जब तक आप दूसरों की खुशी के लिए जीना नहीं सीखते। अपनों को, अपने बेटे बेटियों, भाई बहनों, मम्मी पापा, बहुत जरूरी है सबके लिए करना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके बियॉन्ड जब आप पहुंच जाते हो उस पोजिशन पे, नाउ यू आर रेडी टू सेट योर सिग्नेचर गोल। इसका मतलब ये नहीं जितने लोग सुन रहे हैं उनके सिग्नेचर गोल्स नहीं है, लेकिन दोस्तों करो,
क्योंकि आज जैसा वक्त कभी नहीं रहा। ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, ये टेक्नोलॉजी, कैन यू इमेजिन, आज के 50 साल 30 साल पहले लोग शिप से इंडिया से कनाडा आते थे, महीना भर लग जाता था, लेटर भेजना होता था, शिप से आता था, महीना भर लग जाता था। आज देखिए, इंस्टेंट लाइट की स्पीड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से, जस्ट क्लिक एंड गॉन एंड रिसीव्ड। तो दोस्तों, अगर सिर्फ मैं रिटायर होना चाहता था 45 की एज में, जो कि मैंने किया, सिर्फ इसलिए कि दिखा कि बहुत ही जबरदस्त समय पे लकली जीने को समय मिला है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हम कर सकते हैं दुनिया में अपने दोस्तों के लिए और अपने दोस्तों से और लोगों के लिए और दोस्तों वो करें। सो अगेन आई सल्यूट यू दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग ज्वाइन करते हो। और मैं दो बार नाम पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार नाम पढ़ूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने दोस्तों के, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों के नाम पढ़ने में कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और मुझसे जुड़े। एक बार आपका नाम दिल से प्यार से फिर से लेना चाहूँगा और सारे गुड विशेस के साथ में कि ऑल द बेस्ट दोस्तों, एक बार फिर से केवल नाम लूँगा। शोभा तिवारी जी, जगमोहन नंदा जी, रघु हेमा रघु जी एंड सौरिन दवे जी, नवीन आनंद जी, राहुल श्रीवास्तव जी एंड लौरा फैदर जी एंड पूजा विशाल जी, विकास शर्मा जी, आशवेश, सचिन पुनिया एंड देन ऋषिकेश यादव जी, टोनी शर्मा जी, आशीष मिश्रा मेरे साले साहब, ग्वालिया मनमोहन, विनोद कुमार सिंह, अमित मिश्रा मेरे भाई और पॉल चैमेट, कमलेश कुमार मिश्रा, प्रवीण पटेल, रघुवीर चौहान, अभिषेक खोसला ऑल द वे फ्रॉम यूक्रेन, हमारे खोसला सर के बेटे हैं, और पिंग पिलामौर, अर्जुन आलवी, ध्रुवे गुप्ता, विनय श्रीपद, अश्विनी मिश्रा, आलोक राय, राम मूर्ति, विनीता सक्सेना, विनोद कुमार विश्वकर्मा जी एंड रमेश कुमार पाल जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अगर आपको हेजिटेशन हो शेयर करने में तो आप शेयर करें कमेंट में कि आपका वो सिग्नेचर गोल क्या है, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं उसमें किसी भी तरीके का आपका सपोर्ट कर सकूं। तो जस्ट शेयर योर सिग्नेचर गोल, या अगर सिग्नेचर गोल सेट करने में आपको मुश्किल आ रही, रीच आउट टू मी, आई कैन हेल्प यू, और यू कैन रीच आउट टू हूएवर यू फील दैट कैन हेल्प यू। दोस्तों, तो ये आज की हमारी मंडे मॉर्निंग की, इंडियन टाइम की, ये हमारी मॉर्निंग सभा रही और बहुत अच्छा लगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम छोड़ने का सच में दिल नहीं करता, लेकिन अब बहुत रात हो गई है, जाना पड़ेगा। और अगले मंडे को 8 बजे, क्योंकि उस समय 10:30 बज रहा होगा कनाडा में, तो हम मिलेंगे। तो यही शब्दों के साथ दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस वादे के साथ कि अगले मंडे को 8 बजे इंडियन टाइम फिर से मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी। कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसको आप शेयर कीजिएगा अपने टाइम लाइन में, ये जहाँ पर भी, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। ना मैं कुछ बेच रहा हूँ और ना ही, बस दिल से जो सीखा है और लोगों के ऊपर काम कर रहा है वही आपसे, क्योंकि कनाडा जैसे और यूएस जैसे मुल्कों में इतना डिप्रेशन है, इतनी लोन लेने से इतना अकेलापन, वो क्यों है? क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी अपने सर्वाइवल पे ही लगे रहे और अचानक 70 साल के 65 साल के हो गए, सिग्नेचर गोल तो कभी सेट ही नहीं किया जिसमें औरों को कुछ फ़ायदा हो, और उससे क्या होता कि सडनली यू फील हे होल वर्ल्ड इज़ ओवर। नहीं दोस्तों, कुछ ऐसा करें, जब सिग्नेचर गोल आप सेट करते हैं तो आप टिल द लास्ट ब्रेथ यू आर नीडेड इन दिस वर्ल्ड, यू आर लव्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर, रादर अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड। फिर आपका वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स आपका परिवार बन जाता है। और दोस्तों, फिर आप लास्ट ब्रेथ तक आपकी वही इंपॉर्टेंस, वही एनर्जी, वही मोटिवेशन, बोरियत डिप्रेशन का कोई जगह नहीं होती दोस्तों। तो सिग्नेचर गोल पाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यू कैन लिव डिप्रेशन फ्री, वरी फ्री लाइफ, एंड मोर देन दैट यू कैन डाई रिग्रेट फ्री, कि कोई रिग्रेट नहीं होगा, आपकी पूरी लाइफ यूज्ड अप हो जाएगी। हाँ दोस्तों, सो नाउ थैंक यू वेरी मच, and there is invisible salute from Rakesh Mishra, aur abhi last mein hamare Devi Shankar Bhak sahab ne join kiya, so thank you very much।
and see you next Monday at 8 a.m. Indian time. दोस्तों bye bye. आपका दोस्त राकेश मिश्रा अब आपसे इजाजत चाहता है और वादा करता है कि अगले मंडे को 8 बजे इंडियन टाइम मॉर्निंग में फिर मुलाकात होगी. दोस्तों कोई टॉपिक आप चाहें कि ये टॉपिक मैं शेयर करूं, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी. प्लीज प्रोवाइड योर कमेंट, इफ पॉसिबल शेयर योर सिग्नेचर गोल एंड शेयर योर सिटी यू आर लिसनिंग फ्रॉम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.